Hey everyone, happy Makar Sankranti to everyone. In Bengal, we celebrate it as Poush Sankranti. So happy Poush Sankranti. खूब भालो करे पौष संक्रांति मनाओ सबाई एंड आप बहुत अच्छी तरह से पौष संक्रांति मनाइए मकर संक्रांति मनाइए. आज हमारे घर में बहुत कुछ होने का प्लान है. जो फेस्टिवल है इसमें हम लोग बहुत सारा का पीठा बनाते हैं पीठा तो ये सब बनाएंगे थोड़ा बहुत करके एंड कैसे क्या करते हैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं. चलो तो मेरा किचन में चलो कैसे क्या करते हैं सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द डे. विंटर में सुबह का चाय हम लोग यूजुअली मिल्क टी पीते हैं एंड मैं वो पीना नहीं पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी घर में सब कोई मिल्क टी पसंद करते हैं तो थोड़ा बहुत मिल्क टी हो जाए. ये वड़ा का जो प्रिपरेशन है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है. उड़द दाल है, इसको मैं थोड़ा नमक देके ग्राइंडर में पीस ली हूँ एंड जैसे दही वड़ा बनाते हैं वैसा ही है. इसको बहुत अच्छी तरह से आपको फेंटना पड़ेगा तो वही काम मैं अभी कर रही हूँ. तो 8-10 मिनट करके आपको फेंटना पड़ेगा. सौंफ, मूड़ी ये मैं डालूँगी, थोड़ा क्रश करके डाल रही हूँ ऐसा करके एंड थोड़ा बहुत मैंने क्रश कर लिया था. इसको मैं बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर फेंट लूँगी और मिला लूँगी एंड देखिए कितना फ्लफी हो गया है. इसका जो दाल का जो टेक्सचर है एकदम मतलब वाइट हो गया है. देखिए कैसे फ्लोट कर रहा है, मतलब हो गया है. अभी मैं शुगर सिरप बना रही हूँ. इसमें 2 कप शुगर ऐड कर रही हूँ एंड उसके साथ 2.5 कप पानी. इसमें एक शुगर सिरप बनेगा. इसमें मैं 2 इलायची ऐड कर रही हूँ जिसमें बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा. देखिए शुगर सिरप मेरा रेडी हो चुका है. थोड़ा चिटचिटापन होना चाहिए एंड यहाँ पे मैं दाल का जो वड़ा है वो मैं फ्राई कर रही हूँ. देखिए दाल का जो वड़ा है वो मेरा हो गया है एंड इसको मैं अभी रख दूंगी. ये वड़ा रेडी हो गया है, अभी इसको मैं करूंगी शुगर सिरप में. ये रसबड़े को आपको रस के अंदर ही डुबो देना चाहिए एटलीस्ट आधा घंटा तक एंड उसके बाद इट इज़ रेडी फॉर सर्विंग. बहुत ही टेस्टी एंड इजी रेसिपी है. एक पीठा मैं आज बना रही हूँ वो है पाटी शाप्टा. उसका ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है, मैं शेयर कर चुकी हूँ. उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी, प्लीज़ फॉलो कर लेना. यहाँ पे मैं 2 लीटर करीब दूध मैंने यहाँ पे उबाल रही हूँ एंड अभी मैं नहा के आई हूँ. मतलब बहुत ही देखिए बालों का कंडीशन एंड बहुत सर्दी है, बहुत बहुत ठंड है यहाँ पे तो हम लोग को थोड़ा बहुत निकलना पड़ेगा. रूमिक का क्या बोलते हैं इसको चश्मा जो उसका आज डिलीवरी है तो इसलिए बनाना जाना मतलब ये करना पड़ेगा.
मम्मी बना रही है खीर, हाफ मैं बनाई हूँ एंड हाफ मम्मी कर रही है। मैं चीली डाला है, गुड़ से भी आप बना सकते हो। इस रबड़ी में मैं मिल्क पाउडर यूज़ की हूँ, तो इसमें बहुत अच्छा जो रबड़ी होता है उसका टेस्ट होता है, बहुत जल्दी मावा बन भी जाता है। मेरे पापा आए हैं एंड देखो लूना कैसे सो रही है पापा के पास, बहुत पसंद करती है। पाटीसाप्टा पीठा इज़ रेडी फॉर सर्विंग एंड ऑलरेडी एक दो हमने खा लिया है, बहुत ही टेस्टी बना है। रोमित का चश्मा हो गया, आज चश्मा लेके घर जा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हमने मतलब फर्स्ट टाइम हम घर से बाहर निकले एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। लाइफ हमारा इतना मतलब घर बाहर मतलब हर रोज़ घर में रहना एंड रोमित अभी ऑफिस नहीं जा रहा है तो रोमित का भी ऑफ मतलब घर में ही रहना, सब कुछ मिला के हम लोगों का लाइफ इतना छोटा हो गया ना, क्या बताऊँ। मतलब कहीं पे ना जाना, घर में ही रहना एंड डॉक्टर के पास जब जाती हूँ तब बाहर निकलती हूँ एंड अदरवाइज घर में, सब कुछ मिला के बहुत बहुत एज यूजुअल चाय पीना, बाहर आते ही चाय ना पियो तो मतलब कुछ अधूरा रह जाता है। तो ऐसा ही चल रहा है एंड इसलिए ब्लॉगिंग का जो मतलब कंसिस्टेंसी वो भी मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तबीयत भी साथ नहीं दे रहा है। फिर भी आज सज धज के थोड़ा बहुत निकल चुकी हूँ एंड एक ही काम था चश्मा बनाना रोमित का, तो वो भी बन चुका है। तो चलो आज के लिए इतना ही, किसी भी कारण से अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टाटा।